केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद माननीय कौशल किशोर जी ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी तथा होली के त्यौहार को नशा मुक्त रखने की अपील करी। हम आप लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देशवासियों और प्रदेशवासियों से अनुरोध करना चाहते हैं, होली में किसी भी प्रकार का नशा न करें, ना खुद नशा करें, ना किसी को करने दें, ना पिए ना पिलाएं। होली का त्यौहार भोजन का त्यौहार नशे का त्यौहार हो गया है। इससे बहुत स्पीड में लोग नशा की करके गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं। तो होली का त्यौहार जो है एक शांतिपूर्वक प्रेम मिलन का त्यौहार है, इसलिए नशे से दूर रहें। और आज से ही लोग जो लोग अपने परिवार में नई पीढ़ी के बच्चों को, पड़ोस को, अपने को नशे से बचाना चाहते हैं, एक नशा मुक्त दीप यात्रा, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का होता है, अपने अपने मोहल्ले में निकालें और ये स्लोगन दें, नारा दें, हम अपना मोहल्ला मनाएंगे नशा मुक्त मोहल्ला, अपनी होली मनाएंगे नशा मुक्त होली, इस तरह का, और अपने बच्चों को नशे से बचाएंगे, इस तरह की एक नशा मुक्त होली दीप यात्रा रोज निकालें, आज भी, कल भी, परसों भी, और होली में भी। और होली जब जलाने जाएं तो उसमें पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, शराब, इसमें गांजा, जो भी खाते पीते हैं वो खाना पीना बंद करें और होली में दहन करने का काम करें और अपने देश के सभी लोगों को नशे से बचाने का काम करें। ये मेरे इस होली के दिवस पर सभी लोगों को यही अपील करते हुए शुभकामनाएं दे। सर, एक फैसला आया है जिसमें रेस्टोरेंट, होटल्स और बार्स में ये कहा गया है कि 21 साल के ऊपर के लोगों को ही सिर्फ शराब मुहैया कराई जाएगी और ये निर्देश भी दिए गए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और ये निर्देशों को चिपकाया भी जाए। इस फैसले को सर किस तरह देखते हैं आप? देखिए, नशा पूरी तरीके से गलत है। जो लोग भी नशा बेच रहे हैं वो खुद नशा क्यों नहीं करते? शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता, इसमें बीड़ी, इसमें गांजा, अफीम, चरस, कोकीन, ड्रग्स जो बेचते हैं ये खुद जो है नशा नहीं करते। शराब के दुकान पर बैठा सेल्समैन वो खुद शराब नहीं पीता लेकिन वो बेच रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शराब को पूरी तरीके से, केवल शराब ही नहीं, जो भी नशे, उन नशा कोई करने ना जाए, उनसे खरीदे ना, इनकी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। और किसी भी प्रकार का नशा आदमी की ज़िंदगी को बर्बाद करता है, परिवार बर्बाद करता है। 20 लाख से ज़्यादा लोग हर साल नशे की वजह से मरते हैं, 14 लाख लोग नशे से होने वाले कैंसर से हर साल मरते हैं। इसलिए नौजवानों की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी बचाना है, नशे से लोगों को दूर रहना है। नशे नहीं करेंगे तो नशे के कस्टमर नहीं होंगे, दुकानें सब खोल करके बैठे रहे, जब कस्टमर ही नहीं जाएंगे तो अपने आप दुकानें बंद। ठीक है सर। चैनल देशपर्यटन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।